गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बिल्कुल मार्केट जैसी वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना तो आपको कोई व्हिपिंग क्रीम चाहिए और ना ही गैस चलाने की ज़रूरत है। बिना गैस चलाए बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी लाजवाब आइसक्रीम आप घर में मिनटों में बना के तैयार कर सकेंगी। आप इसका टेक्सचर देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और घर में बिल्कुल सस्ते में बन के तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया और इसमें मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ। ये दूध मैंने पहले गर्म करके रखा हुआ था और फ्रिज से निकाल के सीधा ठंडा ठंडा ले लिया है। और इसमें मैं 1/2 कप से भी कम 1/4 कप दूध की मलाई ले रही हूँ। और ये मैंने 1/2 कप ले लिया है वेनिला फ्लेवर का व्हिपिंग क्रीम पाउडर, जो ऑनलाइन भी मिल जाता है और कोई भी आपको बड़ी किराने की दुकान या फिर जो बेकरी वगैरह पे भी मिल जाता है। इस तरह का ये डिब्बा है। मैंने एक बार केक बनाया था तो ये ऑनलाइन मंगवाया था और ये मंगवा के आप स्टोर करके रख सकते, इससे व्हिपिंग क्रीम भी बना सकते। तो वही पाउडर मैंने लिया था, मेरे पास बचा हुआ था 1/2 कप। और 1/2 कप मैंने चीनी और 1/2 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। सारी चीज़ें डाल के मिक्सी को चलाएंगे और इस तरह का आपको मिश्रण बना लेना। देखिए दूध है, इस तरह से गाढ़ा दिखने लग गया है। अब एक बाउल में डाल दिया मैंने मीठा, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम बना रहे थोड़ा मीठा ज़्यादा ही रखें, ठंडा होने के बाद मीठा कम लगता है। और बाउल में डाल के सिल्वर फॉइल से मैंने कवर कर दिया और इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, आधा जमने तक। सॉरी, फ्रीज़र में रख देना आपको। मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। देखिए 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये आइसक्रीम हमारी आधी है, वो जम चुकी है। अब हम इस तरह से इसको चम्मच से निकालेंगे और मिक्सी के जार में वापस डालेंगे और अच्छे से चला देंगे। अगर आपके पास जो व्हिपिंग क्रीम वाला वेनिला का मैंने पाउडर डाला वो नहीं है तो आप इसमें वेनिला एसेंस डाल सकते हैं और 3 से 4 आप ब्रेड डाल के पीस दे साथ में, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया इस तरह से आइसक्रीम को और पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से फूल गई है, मिश्रण हमारा इतना गाढ़ा दिख रहा है। आप इसको 1 कलर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको 2 कलर में बना रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर डालूंगी। थोड़ा सा मैंने व्हाइट को एक तरफ रख दिया है और एक बाउल में अलग निकाल दिया है। जिसमें मैं कलर मिक्स कर रही हूँ वो थोड़ा कम रखा, व्हाइट वाला ज़्यादा रखा है और इस तरह से मैंने पिंक कलर मिक्स कर दिया है। आप कोई भी अपने अनुसार कलर मिक्स कर सकते हैं। और कलर मिक्स करने के बाद अब मैं एक बर्तन ले लूँगी। मैं इस तरह का एक प्लास्टिक का ये टिफिन है वो ले रही हूँ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर पहले मैं व्हाइट वाला मिश्रण डालूंगी इतना और ऊपर से पिंक वाला डाल दूंगी। ये इतनी लाजवाब बनती है कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। आपने घर में बनाई है और बिल्कुल सस्ते में और गैस चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ही बन के तैयार हो जाती। पिंक वाला डालने के बाद वापस मैं इसके ऊपर व्हाइट वाला डाल दूंगी थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा पिंक वाला डालूंगी। इस तरह से हमें डाल देना है। इससे जो है 2 कलर की हमारी आइसक्रीम बनेगी, दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी। और इस तरह का अगर आपके पास पाउडर है वेनिला वाला जो मैंने आपको बताया व्हिपिंग क्रीम वाला, तो वो डालेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद आएगा। कोई खा के नहीं बता पाएगा कि आपने घर में इसको बनाया। अगर वो नहीं है तो आप वेनिला जो एसेंस है वो डाल के मैंने बताया ब्रेड डाल के भी बना सकते हैं। और इसको मैंने सिल्वर फॉइल से ढक दिया है, इस पर बर्फ ना जमे इसलिए, और ढक्कन लगा के हम इसको साइड में रख देंगे फ्रीजर में वापस। और जो बचा हुआ मिश्रण है मैं इस तरह से कप ले लूँगी, जो हम मार्केट से कप लाते हैं आइसक्रीम वाले, वो मैंने धो के रख दिए। तो इस तरह से मैं पिंक वाला डालूंगी फिर व्हाइट वाला डालूंगी। कितने कप भरते मैं देखती हूँ। सारा मिश्रण मैंने इसके अंदर बचा हुआ डाल दिया तो 3 कप ही भरे इसे। और इनको भी मैं सिल्वर फॉइल लगा दूंगी ऊपर से ताकि बर्फ ना जमे। तो सिल्वर फॉइल लगा के मैंने इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए और अब इनको मैं जमने के लिए 3 से 4 घंटे फ्रीजर में रख दूंगी। तो देखिए 3-4 घंटे के बाद हम देखते हैं हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम के तैयार हो गई। और इस तरह का आपको गोल एक चम्मच ले लेना, जो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं वही गोल चम्मच लिया है। और इस तरह से हम आइसक्रीम को निकाल देंगे। देख ये ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए आइसक्रीम, अगर आपने ओवर नाइट रखी पूरी रात ज़्यादा हार्ड हो गई थोड़ी देर बाहर रखते ताकि अच्छे से इससे इस तरह की निकल सके चम्मच से। तो आप इसका टेक्सचर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी लाजवाब बनी थी कि मैं बोल के नहीं बता सकती। बिल्कुल क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली हमारी मार्केट जैसी वेनिला आइसक्रीम बनके हो गई ये तैयार। और देखे बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। गर्मियों में बच्चों को मार्केट की आइसक्रीम खिलाने की बजाय आप घर में बना के खिलाएं
वो अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी वैसे डाली भी है और भी आगे गर्मियों में आइसक्रीम की रेसिपी डालूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं घंटी वाला बटन दबा दे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और मैंने इसको थोड़ा सा टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दिया था। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। आप इस आइसक्रीम को एक कलर में भी बना सकते हैं, या तो पिंक या वाइट, लेकिन दो कलर में बनाने से इसका कलर है बहुत अच्छा दिखता है, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो अगर आपके पास कलर है तो आप दो कलर में बनाए, अच्छी दिखेगी। और जो मैंने कप में डाली थी वो भी दिखा रही हूँ। देखिए यही कप हम मार्केट से लाते हैं तो लगभग 20 से 25 रुपए में मिलता है और घर में बिल्कुल सस्ते में बन के तैयार हो जाती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।